नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि अच्छी आत्माओं का जन्म एक ऐसे घर में होता है जहां भगवान के प्रति बहुत प्यार होता है, और इसी तरीके से जो कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं उनका जन्म ऐसे घरों में होता है जहां भगवान का कोई नाम नहीं लेता, भगवान के प्रति कोई प्यार नहीं दिखाता। लेकिन प्रहलाद का जन्म हिरण्यकश्यप के घर में क्यों हुआ, आइए इस पे आज विचार करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे सनरेज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकॉन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप में बहुत ईगो थी, और कोई भी उनके सामने भगवान का नाम लेता, भगवान विष्णु का नाम या नारायण, तो उनको बहुत गुस्सा आता था, और वो कहते थे कि कोई भगवान नहीं है, सिर्फ मैं ही भगवान हूँ। हिरण्यकश्यप की मंशा थी कि मैं ब्रह्मा जी से वरदान लेकर अमर हो जाऊँ। तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। जंगल में हिरण्यकश्यप एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने की तैयारी करने लगे, तो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक तोता बोला, नारायण नारायण। तो हिरण्यकश्यप ने उस तोते को वहाँ से उड़ाने की कोशिश करी, उसको पत्थर भी मारे, लेकिन वो तोता एक डाल से उठकर दूसरी डाल पर बैठ जाता और फिर से बोलता, नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिश करी कि वो तोता वहाँ से उड़ जाए, लेकिन वो तोता वहाँ से नहीं गया। तो उसने सोचा कि मैं ही कहीं और चले जाता हूँ, तो वो उठकर पहाड़ की तरफ चल दिया। अब पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठकर उसने फिर अपनी तपस्या शुरू करी। तभी फिर एक तोता वहाँ पर आया और बोलने लगा, नारायण नारायण। इसको गुस्सा आता था जब ये नारायण शब्द को सुनता था, लेकिन वो तोता था कि वो नारायण नारायण करता ही जा रहा था। अब हिरण्यकश्यप फिर वहाँ से भागा और उसने जाकर एक गुफा ढूंढी। उसने सोचा कि इस गुफा के अंदर तो कोई नहीं आ सकता। जैसे ही वो तपस्या में फिर से लीन होने लगा तो फिर वही तोते की आवाज़, नारायण नारायण। अब तो इसका गुस्सा जो है वो इतना बढ़ गया कि उसने बहुत कोशिश करी कि वो कभी तोते को किसी तरीके से वहाँ से भगाए, लेकिन तोता था कि वो हाथ ही नहीं आता था, लेकिन बोलता जाता था, नारायण नारायण। जब उससे तपस्या नहीं हो रही थी तो उसने सोचा कि लगता है इस बार मैं तपस्या नहीं कर पाऊँगा। ऐसा सोचकर वो अपने महल की तरफ वापस चला गया। जब राजा हिरण्यकश्यप महल में आए तो उनकी पत्नी कयाधु ने देखा कि वो वापस आ गए हैं, तो वो बहुत हैरान हुई और उसने पूछा कि क्या बात है, आप इतनी जल्दी वापस आ गए। लेकिन हिरण्यकश्यप बहुत गुस्से में था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो कयाधु ने थोड़ी देर के बाद उनको फिर से ये पूछने की कोशिश करी। बार बार बहुत प्यार से पूछने के बाद हिरण्यकश्यप ने बताया कि ऐसे मैं तपस्या करने के लिए पहले पेड़ के नीचे बैठा, फिर मैं पहाड़ पर गया, फिर मैं गुफा में गया, ऐसे एक तोता मेरे पीछे पीछे आकर बोलता रहा, नारायण नारायण। मैंने बहुत कोशिश करी उससे पीछा छुड़ाने की, लेकिन वो हटता ही नहीं था, वो मेरे पीछे पीछे आकर बोलता था, नारायण नारायण। रानी ने राजा को फिर से पूछा कि महाराज, वो तोते ने क्या कहा, ज़रा फिर से बताइए। तो हिरण्यकश्यप ने बोला, बहुत ही अजीब तोता था, वो बोलता था, नारायण नारायण। वो रानी अंदर से राजा के मुंह से नारायण भगवान का नाम सुनकर बहुत खुश हुई, और उसने तरीके से बार बार राजा से ये बात पूछी। उसने ऐसे कहा कि महाराज, तोता क्या ऐसे बोलता था, नारायण नारायण।
तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं बोलता था, वो बोलता था नारायण नारायण। कुछ एक दो दिन राजा और रानी के बीच में ये बात अक्सर आती रही और दोनों इस बात को बार बार करते रहे। रानी कई बार ऐसे आश्चर्य से पूछती, महाराज ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई तोता नारायण नारायण बोले, वो तो पक्षी है ना। तो हिरण्यकश्यप कहता था नहीं, ऐसे ही वो बोलता था नारायण नारायण। तो ऐसे चलते रानी ने कई बार हिरण्यकश्यप से मुख से नारायण नारायण कहलवाया। कुछ दो चार दिन ऐसे ही चलता रहा और इन्हीं दिनों के बीच रानी को गर्भधारण हुआ और उसके गर्भ में एक बच्चे का प्रवेश हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि रानी ने जो गर्भ धारण किया उसमें प्रहलाद का जन्म हुआ। और उसकी जो बैकग्राउंड आपने सुनी, किस तरीके से माता पिता जब भगवान का नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं, और उन दिनों में अगर गर्भ धारण होता है तो उसके साथ एक अच्छी आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है। और इसी की वजह से जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो प्रहलाद भी एक नारायण भक्त दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि उनके जन्म से पहले से ही उनके माँ बाप नारायण के साथ ऐसे जुड़े हुए थे। नमस्कार।